नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है पंजाब की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, भटिंडा में आज भाजपा नेताओं के बाद अब किसानों ने आम आदमी पार्टी का विरोध शुरू कर दिया है। किसानों ने गांव गुद्दा के मेन पॉइंट की दीवारों पर फ्लैक्स बोर्ड लगा दिए हैं, जिसमें लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी एवं नेताओं का गांव में आना मना है। किसान नेता अजय पाल सिंह ने बताया कि पिछले समय के दौरान आग से जलकर राख हुई गेहूं की फसल एवं कुदरती आफत से बर्बाद हुई फसल का आप सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया है, जिसके चलते किसानों को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार भी पिछली सरकारों की तरह किसानों के साथ झूठे वादे कर वोट लेने में कामयाब रही है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में किसान भगवंत मान सरकार एवं आप प्रत्यक्षों को अपने वोट से सबक सिखाएंगे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब के मौजूदा पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को केंद्र प्रशासनिक प्राधिकरण से बड़ी राहत मिली है। गौरव यादव को डीजीपी के पद पर तैनात करने को लेकर दायर की गई याचिका को कैट ने खारिज कर दिया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि भटिंडा के मतदाता अकाली दल की प्रत्याशी हरसिमरन कौर बादली की जमानत जब्त कराने को तैयार बैठे हैं। बादल परिवार में वे ही रह गई हैं जिन्हें हारना है। मान ने कहा कि मालवा के लोग फिर रवायती पार्टियों को सबक सिखाएंगे, वे अपने परिवार के लिए पंजाब के हितों के लिए वोट मांग रहे हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, शिवसेना टकसानी के प्रमुख सुधीर सूरी की हत्या के आरोपी संदीप सिर्फ उर्फ सन्नी अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। कुछ गर्म विचारधारा वाले संगठनों ने सन्नी को अमृतसर से उम्मीदवार बनाए जाने का प्रचार शुरू कर दिया है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब और चंडीगढ़ में आज से प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। 1 जून को पंजाब और चंडीगढ़ में वोटिंग है, ऐसे में प्रत्याशी आज से नॉमिनेशन भर सकेंगे। ये नामांकन प्रक्रिया 14 मई तक चलेगी, वहीं 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, वहीं 17 मई तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।